प्रदेश के अंदर जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा केस आए थे वह 7200 आए थे। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक हुए थे वह 67000 तक गए थे। पहला जब केस यूपी के अंदर आया था 2 मार्च 2020 को, तो हमारे पास प्रदेश में न टेस्ट की क्षमता थी, ना कोई भी हमारे पास आइसोलेशन बेड था जहां पर हम कोविड पॉजिटिव का उपचार करा सकें। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की मशीनरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र और सभी संगठनों संस्थाओं के सहयोग से आज हम प्रतिदिन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट संपन्न कर चुका है। प्रदेश के पास L2, L3 फैसिलिटी के 80,000 बेड्स वर्तमान में मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव के उपचार की सुविधा वहां पर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितने भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारी वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक जो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गाँव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं, हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके IEEE इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध की करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षणयुक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है, उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है। अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में, सेपरेट रूम और टॉयलेट है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था, नहीं है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर या हायर सेंटर में रिफर किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की 1500 से अधिक डेडिकेटेड एम्बुलेंस इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तैनात की है। इसके साथ ही हम लोगों के पास 350